सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की राहें तो अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों का एक बेटा भी है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और इसमें दो गुट बट चुके हैं। एक का कहना है कि पाकिस्तानी पिता की संतान को भारत की नागरिकता मिलना खतरे से खाली नहीं, जबकि दूसरा इसका उल्टा सोचते हैं। सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन साल 2010 में उन्हें काफी गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। ये वो वक्त था जब सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी रचाई थी। 14 साल बाद ये शादी ऑफिशियल तौर पर टूट गई है। सानिया काफी समय से शोएब से अलग दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ रह रही हैं। इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस हो रही है कि क्या तलाक के बाद सानिया अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएंगी या फिर भारत की नागरिकता दिलाएंगी। क्या है इजहान मिर्जा मलिक का सिटीजनशिप स्टेटस? फिलहाल वो अपनी माँ के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पर रह रहे हैं। यूएई का ये वीजा किसी को लंबे समय तक वहाँ रहने की छूट देता है। इसके कई और भी फायदे हैं जो सानिया को वहाँ मिल रहे होंगे। टेनिस स्टार ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी के बाद भी भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी थी, बल्कि भारत के लिए वो हमेशा से खेलती रही। यहाँ तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतीय अस्पताल में हुआ। इस तरह से देखें तो इजहान खुद ही भारत का नागरिक कहला सकता है, अगर सानिया चाहे तो। इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा था कि बच्चे को पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो भारतीय नागरिकता ले। यहाँ बता दें कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखना कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग दो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का, लेकिन पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो ये संभव नहीं है। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं। अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो इसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यानी इजहान को अगर यहाँ का नागरिक माना जाए तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। उनके जन्म के बाद शोएब ने कहा था कि उनका बेटा ना तो भारत का होगा ना ही पाकिस्तान का, तो शायद इससे उनका मतलब यूएई से रहा हो। हो सकता है कि गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वहीं की स्थायी नागरिकता भी दिलवाई जा सके। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कि बच्चे को कहाँ की नागरिकता दी जाएगी, क्या उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास किसी और देश की नागरिकता भी हो। इसके बाद से आपको बता दें कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है। एक और नियम भी है, इसके तहत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी शख्स भारतीय नागरिक है अगर उस दौरान उसके पेरेंट्स में से एक भारत का पासपोर्ट रखता हो। देश में जन्म ना लेने पर भी नागरिकता मिल सकती है अगर जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के एक साल के भीतर इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सिटीजनशिप मिल सकती है। इसकी कई शर्तें हैं, जैसे कम से कम 7 सालों तक भारत में रहना। कॉमनवेल्थ नेशन के रहने वाले भी इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं अगर वो भारत में रहने लगे।